हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल बेक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8 इंच की चौड़ाई का और 9 इंचेस की लंबाई का ऐसा बुकरम काट लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड किए हुए हिस्से से हमें 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। अब हम ऊपर से 8 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे और इन दोनों ही मार्क को हम जॉइंट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपना सिंपल राउंड नेक ड्रॉ करेंगे और हम बाहर की तरफ भी 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और ऐसा ही राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हम इसकी पेस्टिंग अपने फैब्रिक में कर लेंगे। बुकरम की पेस्टिंग फैब्रिक में करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम डोरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की ऐसी तिरछी पट्टी काट ली है। अब हमें पट्टी को बीच में से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हम डोरी बनाने वाले टूल की मदद से अपनी डोरी को अपनी सीधी तरफ पलट देंगे। इस टूल की डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डोरी बनाने के बाद अब हम अपने लटकन के लिए अपने फैब्रिक को कट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच की लंबाई का और 3 इंच की चौड़ाई का इस तरीके के फैब्रिक के पीस कट कर लिए हैं। अब हम अपने फैब्रिक को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसे ट्राइंगल शेप में कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने दूसरे फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब हम अपने टेसल को अपनी डोरी में अटैच करेंगे, जिसके लिए हमें अपनी डोरी को इस तरीके से सेंटर में फैब्रिक की सीधी तरफ रखना है, फैब्रिक को फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा टेसल भी डोरी में अटैच करेंगे। हमें अपने दोनों ही टेसल के बीच में 3 इंच की दूरी रखनी है।
इस तरीके से हमने अपनी दोनों ही दोरी के साथ टेजल को अटैच कर लिया है। अब हम बीच वाला ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 8 इंच की लंबाई का और 4 इंच की चौड़ाई के इस तरीके के फैब्रिक के दो पीस कट कर लिए हैं। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और इसका इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद अब हमें यहाँ से इस तरीके से इसे ट्रायंगल शेप देना है और फिर हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमें अपने दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में इस तरीके से अपनी डोरी की एंड को इस तरीके से बीच में हमें कोने में ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने अपने दोनों ही ट्रायंगल शेप वाले डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब हम इसे अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देंगे और इसे हमें अपने बुकरम वाले नेक में अटैच करना है, जिसके लिए हमें अपने बुकरम वाले नेक में ऊपर से 2 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमें अपने ट्रायंगल वाले डिज़ाइन को इस तरीके से बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी अटैच कर लेंगे। अब हम इस बुकरम वाले नेक को अपनी कुर्ती के फैब्रिक में अटैच करेंगे, जिसके लिए हमें अपनी कुर्ती के फैब्रिक की सीधी साइड को और अपनी बुकरम वाली सीधी साइड को आमने सामने रखना है। बीच में हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और फिर हम यहाँ किनारी पर सिलाई लगाएंगे और अपने नेक को अटैच कर लेंगे। अब हमें बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से ट्रिम कर लेना है और ट्रिम करने के बाद हमें कुछ कुछ इंच की दूरी पर कट लगा लेनी है। कट लगाने के बाद अब हमें अपने नेक डिज़ाइन को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देना है। इस तरीके से हमने अपने नेक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।